तो आज से 6 महीने पहले जनवरी 2023 में हमने एक लंबी लिस्ट बनाई थी, पूरी रिज्यूम तैयार की थी। इस साल खुद को इम्प्रूव करना है, अपने फिटनेस को सुधारना है, पढ़ाई में अच्छा करना है या फिर कई सारे गोल्स सेट किए थे। पर अभी 2023 के 6 महीने बीतने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक वहीं के वहीं हैं, जहां 2022 खत्म हुआ था और 2023 शुरू हुआ था। मतलब कोई ग्रोथ नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, आधी साल भी खत्म हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए। तो क्या हमें फिर से नए साल का वेट करना चाहिए? सुनो, हमारे पास अब भी 6 महीने हैं और 6 महीने काफी होते हैं एक सिंगल गोल पे पूरी डेडिकेशन से काम करके उसे अचीव करने के लिए। देखो, मैं और वीडियोज की तरह ये नहीं कहूंगा कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, पूरी दुनिया से अलग हो जाओ, दुनियादारी छोड़ दो। ये प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर मेरे ये 3 टिप्स आपके आने वाले 6 महीने के समय को सोना में बदल सकते हैं। नंबर 3, भले ही आपको कितने भी गोल्स पूरे करने हो, पर मेरी मानो तो अगले 6 महीने तक सिर्फ एक ही गोल पर, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, सिर्फ उस पे ही फोकस्ड रहो और सिर्फ उस पे ही काम करो। अब आप कहोगे, मेरे लिए तो सारा गोल्स इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं कैसे जानूं कि सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स मेरा कौन है? तो सबसे पहले आपके जो जो गोल्स हैं आप उनकी लिस्ट तैयार करो, जैसे मैंने किया था। 1 नंबर पे इम्प्रूव फिटनेस, 2 नंबर पे यूट्यूब कंसिस्टेंसी, 3 नंबर पे स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, 4 नंबर पे स्टडी रेगुलरली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, आपके गोल्स इनसे काफी अलग हो सकते हैं। मैंने जो भी गोल्स लिखे, मुझे इन सारे में से सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना था, तो मैं इसे चूज करके अगले 6 महीने तक करता रहूंगा। और जब मैं रोज यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू करूंगा तो मुझे समय नहीं मिलेगा कि मैं पॉर्न देख सकूं या फिर कोई और गलत काम कर सकूं, जिससे मेरी ये टॉप गोल के साथ माइनर गोल ऑटोमेटिकली कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगले 6 महीने तक आप भी अपनी एक टॉप गोल को चूज करो और सिर्फ उस पे ही काम करो। देखना, धीरे धीरे आपके जो भी छोटे मोटे गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। नंबर 2, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको पुश करें। जैसे कि आपने अपना टॉप गोल फिटनेस को चुना है, तो ऐसे दोस्त बनाना शुरू कर दो जो फिटनेस को लेकर जागरूक हो। पहले जिम जाओ, फिर वहाँ दोस्त खुद बनेंगे, या फिर अपने पुराने दोस्तों को ही जिम ले जाओ और मिलकर साथ में लेवल अप करो। सिर्फ फिटनेस ही नहीं, यदि आपका टॉप गोल स्टडी है या फिर कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आपके ग्रुप में जो पढ़ने वाला लड़का है उसके साथ रहो, देखना आपका भी मन पढ़ने का करेगा। नंबर 1, सुबह उठो और मेडिटेशन करो। देखो, सुबह उठना और मेडिटेशन करना काफी अंडररेटेड है, बट मेरा यकीन करो, यदि ये करना आपने शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ वैसे भी आधी बदल जाएगी। यदि आप लेट सोते हो तो याद रखना, सुबह कभी नहीं उठ पाओगे। आधी रात तक फोन चलाना या फिर कहीं और टाइम पास करना आपको कहीं नहीं लेकर जा रही। जब आप सुबह उठना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक गजब की मोटिवेशन होती है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो आपके माइंड में जो फालतू के विचार है और जो गंदे थॉट्स है वो आने बंद हो जाएंगे। आपका मन काम में लगेगा, आप खुद को मोटिवेटेड फील करोगे, आपको सुबह सुबह एक अचीवमेंट वाली फील आएगी जिस कारण आप पूरे दिन को बेहतर बना पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को देख लेने से ही आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे, आपको अपने गोल्स खुद ही पूरे करने होंगे। मैं सिर्फ आपका हेल्प कर सकता हूँ, आपको दिशा दे सकता हूँ, बाकी आप अपने डूबती नैया को खुद ही बचा सकते हो और कोई नहीं आएगा बचाने।